लॉट ऑफ होप, बहुत उम्मीदों के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था और मूलतः छोटे राज्यों का निर्माण होने के बाद विकास दर बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब से यहाँ का निर्माण हुआ है इस प्रदेश का, तब से यहाँ पर आज देखिए तो जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो देश में टॉप में है। और छोटे स्टेट्स बनाने का उद्देश्य था कि चहुंमुखी विकास होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट विल हैपन इन तेलंगाना। Unfortunately, a lot of promises were not kept, including one such as unemployment, जो भत्ता देने की बात हुई थी, 3000 कुछ रुपए देने की बात की थी इस प्रदेश की रूलिंग पार्टी ने, वो नहीं दिए हैं। मैं समानता हूँ, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने जो बैकलॉग है नौकरियों का, जॉब्स का, यंग लोगों का, लगातार जो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, पब्लिक सर्विस कमीशन ने नौकरियाँ दी नहीं हैं, जो पेपर हुए वो लीक हो गए, तो विश्वसनीयता जो है, the credibility of the state government is in question. There is a wave of a change that is about to happen. The political landscape of Telangana will change, and I think it will lead to a further change nationally. Don't forget that we are fighting these elections on the back of a resounding victory in Karnataka. Mr. Lad is here from Karnataka, and he knows very well. Karnataka mein jo hamara aitihasik bahumat aaya, usse pehle hum logo ne Himachal Pradesh mein Bhajpa ko haraya. To BJP hamesha bolti hai ye double engine, तो वहां पे हमने हराया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी जी चले 4000 किलोमीटर, उस भारत जोड़ो यात्रा से अनेक राज्यों में इंक्लूडिंग तेलंगाना में एक कार्यकर्ताओं में एकजुटता आई है। और सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जितने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, चाहे वो BRS के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, वो सब समझ रहे हैं कि एक दुगनी ताकत के साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की विचारधारा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि 30 तारीख को जब मतदान होगा, पीपल विल वोट ओवरवेलमिंगली टू फॉर द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज़ कांग्रेस का जो योगदान है तेलंगाना के निर्माण में, इस स्टेट के अंदर जो निवेश हुआ दशकों से लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने करवाया। और आज मैं मानता हूं कि जो बातें राहुल जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं, उसमें लोग विश्वास कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, वो 10 साल का मौका देने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और लगातार जो करप्शन के एलिगेशन चल रहे हैं और जो माहौल खराब करने का काम हुआ है, उससे मैं मानता हूं कि लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। दे विल बी अ वोट फॉर चेंज। जहां जहां वोट पड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तीनों स्टेट्स में स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो 30 तारीख को यहाँ मतदान होगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर एक कांग्रेस की अच्छी सरकार बनेगी। हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसको टाइमलाइन के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं समझता हूँ एक पारदर्शी, एक सेंसिटिव और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम लोग यहाँ चलाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो बाकी दल चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता किसी का होगा, क्योंकि 1-to-1 फाइट में कांग्रेस बहुत आगे है। और मुझे लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो हमारे नेताओं का जिलों से फीडबैक आ रहा है, ऐसे जिलों में जहां साल भर पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज वहां पर एन ब्लॉक कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। तो कैंपेन के अंत में मुझे लगता है कि ये लास्ट जो पुश है ये बहुत सकारात्मक रहेगा और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ यहां जनता आशीर्वाद देगी। नाउ हमारे लिए जो है गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर लाड साहब जो है गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेशल बोर्ड, जैसे कर्नाटक और राजस्थान में हमने किया था, वो हम लोग तेलंगाना भी करेंगे, तो उसका डिटेल्स जो है ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर लाड विल गिव यू। जस्ट आपकी जानकारी के लिए भी लाड साहब इसको अनाउंस करेंगे। राजस्थान में हम लोगों ने एक एक्ट पास किया था जिसका भी आप विवरण करेंगे। उस एक्ट में उन सब लोगों को हमने उस दायरे में रखा है जो गिग वर्कर्स, और राजस्थान पूरे देश का, राहुल जी ने अपनी भाजपा यात्रा में इस बात को उठाया था और मुझे खुशी है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां पर गिग वर्कर्स के लिए हम लोगों ने एक एक्ट बनाया, विधानसभा में पास किया, और यही हम यहां पर उम्मीद लोगों को दे रहे हैं तेलंगाना के अंदर।